الله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله وسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. वो मंतबी अकूम भी अहसान इलामदीन अमबात आज की इस नशत में इन शी अबहान तस्माय हसना में से अस्तिर या जिसका यानी निसफ हिस्सा पिछले दर्स में हो चुका अलहदिल्ल जिसमें अरबी ज़ुबान में सतारा का माना किया है और अल्लाह रबालमीन का ये अजीम नाम अस्सती या या इसके जो दो तरह के तलफ़ हैं और आ, इस सिलसिले में जो अहद से मुबारक थीं जिसमें नबी करीब वसलम ने अ रब्बालमीन के आसमाय हौसना में से अस् तिर इस नाम को बयान फरमाया और आ, इस सिलसिले में कुछ और बातें भी थीं जैसे असत्तार या सातिर या अल्लाह अबहान तै के आसमाय हौसना में से नहीं है ये सब बातें हमने पिछली नशे में आपके सामने रखी हैं आज की इस नशे में इनशा तप के सामने रखूँगा वो ये है कि अल्लाह रब्लम अस्सी हैं यानी अल्लाह सुबहान तैाल बंदे पर पर्दा डालने वाले बंदे के गुनाहों पर अल्लाह इंसान बाचत मुसलमान खसूसी तौर पर उससे जो गुनाह होते हैं बंद कमरे में और अल्लाह सुबहान ताली से वो वहीं वहीं माफ़ी मांग लेता है अल्लाह से तोबा इस्तार कर लेता है तो अल्लाह रब्लम अस्सी हैं उसे मुआफ़ भी कर देते हैं और उसके गुनाह पर पर्दा डाल देते हैं और एक बहुत बड़ी बात ये है कि जिस बंदे के गुनाह पर भी अल्लाह पर्दा डालते हैं इस दुनिया में उसके लिए खुशखबरी है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन आखिरत में भी उसके गुनाह पर पर्दा डाल करके रखते हैं ये अल्लाह आलमीन का करम है करीम है अल्लाहन व ताली अल्लाह अल्ला रब्बुल अल्ला आलमीन की रहमतों की वसात देखिए बहसत इंसान एक बशर अल्लाह रब्बुल आलमीन पर ईमान रखते हुए आखिरत पर ईमान रखते हुए अल्लाह रब्बुल आलमीन का तकवा इख्तियार करने के बावजूद भी अगर उससे कोई गुनाह शादिर हो जा रहा है और अल्लाह व तआला से उसने माफ़ी मांग ली अल्लाह से तोबा कर लिया अल्लाह की तरफ रुजू कर लिया सिर्फ ऐसा नहीं कि अल्लाह आलमीन उसे गुनाह को माफ़ करेंगे बल्कि उस पर पर्दा जो इस दुनिया में डाल के रखे हैं वो कयामत के दिन भी उस पर पर्दा डाल करके ही रखेंगे बस उसके और रब के दरमियान अल्लाह अकबर इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अपनी असही की बिर्री वसूलत व आदाब इसमें अबू रजी अल्लाह रजील् से एक हदीस लाए हैं कि आपने फरमा आप रिवायत करते हैं कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ला यस्तु من عبد في الدنيا لا يستر الله من عبد في الدنيا मनाबुद्दीन ستره الله يوم क़ियाम जिस बंदे का भी अल्लाह सुबहान ताल उसके गुनाह पर इस दुनिया में पर्दा डालते हैं क़यामत के दिन भी अल्लाह रब्बुल रब्लम उसके गुनाह पर पर्दा डाल के रखते हैं यानी ऐसा मामला नहीं होता है अल्लाह रब्बुल रब्लम की तरफ़ से कि इस दुनिया में अल्लाह सुबहान तै जिस किसी बंदे पर भी इस दुनिया में उसके गुनाह पर पर्दा डाल के रखे हों सतरहुल्लाहु यऊ मक़्याम कयामत का मामला भी ऐसा ही है कि हशर के मैदान में अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके गुनाह पर, पर पर्दा डाल के ही रखते हैं कितनी बड़ी बात है यह अल्लाह। देखिए मैं आपको एक हदीस सुनाता हूँ हदीस ये भी सही मुस्लिम की है सही मुस्लिम की किताबुत तौबा में इब्न मसूद रजी अल्लाह कहते हैं कि रसूल सल्हुसम और कमर ख़त्ताब रजी बैठे हुए थे एक शख्स आए और वो तबीब थे डॉक्टर उन्होंने अल्लाह के रसूल से कहा कि अल्लाह के रसूल अक्सल मदीना कहा कि मैं शहर के बिल्कुल किनारे में रहता हूं एक खातून मेरे पास इलाज के लिए आई मैं इलाज तो कर रहा था लेकिन हुआ क्या कहा कि वह इन असफ तुम मैं उसके करीब चला गया मेरे साथ एक हादसा हो गया उस लड़की के साथ उस खातून के साथ लेकिन हादिसा सिर्फ इतना था कि मैं करीब हुआ उनकी मददू नमस साहा हमारे उनका जो है मामला मतलब दखुल वाला मामला नहीं हुआ हमने कोई उनसे हम ही नहीं की बस एक कुर्बत इख्तियार कर लिया हमने लेकिन कितनी तरबियत की देखो अल्लाह के रसूल ने उनके उनके साथ उनके उनके उ, 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 उन, 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 उन पर कितनी तरबियत की अल्लाह के रसूल ने कि बंद कमरे में एक हादसा हुआ वो भी फिर अक्सल मदीना शहर के किसी किनारे पर अल्लाह के रसूल के पास आया और आकर के कहा कि अल्लाह के रसूल फ़ानहादा अब मैं आपके सामने खड़ा ना मैंने मेरे गुनाह का एतराफ़ किया मैंने फ़ानहादा मैं यहाँ पर मौजूद हूँ मैं हाजिर हूँ फ़ख वफ़ी या मशि शरीयत में अब मेरे लिए जो सजा है मेरे इस गुनाह की आप सजा नाफिज कर दीजिए दुनिया में यहां का मामला मेरा साफ हो जाए इतनी बात कही आपने लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उमर बिन खत्ताब रजी में बैठे हुए थे आपने फ़ौरन उनसे कहा सतरक अल्लाह लौ सतरत नफ्सक बंद कमरे में हुआ था ना गुना अल्लाह ने आपके गुना पर पर्दा डाले थे आप भी अपने गुना पर पर्दा डाल के रखे क्यों आके बोल रहे हैं इधर क्यों आके बता रहे हैं इधर बात यह है कि यह सिर्फ उमर बिन खत्ताब की बात नहीं है उमर बिन खत्ताब रजी बात किसके सामने कही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने अगर बात गलत होती तो आप रोकते थे ना बल्कि हदीस में सराहत है फलम मेरोन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल ने उमर बिन खत्ताब पर उनको टोका भी नहीं उन पर रद्द नहीं किया खामोशी इख्तियार की वो एक हदीस तकरीरी है हदीस है अल्लाह के रसूल की आल हिजरत अच्छा जैसी बात हुई वो साहेब उठे फ और चलने लगे जैसी जाने लगे, लगी फ्न नबी सल्लाम फद अल्लाह के रसूल सल्ला एक साहेब को भेजा जाओ जाकर के बुला के लाओ उनको कहा कि तुम्हारा जो मामला वही है जो उमर बिन ख़त्ताब ने कहा क्या सतर, सत, सतर अल्लाह ने तुम्हारे गुना पर पर्दा डाल दिए थे लो सतर तफसक बहुत अच्छा होता कि भाई तुम भी अपने गुना पर पर्दा डाल कर रखते वहाँ का गुना वहीं होता वहीं पर अल्लाह से माफ़ी मांग लेते मामला वहीं रफ़ा दफ़ा हो जाता यहाँ तक आने की ज़रूरत नहीं थी लेकिन देखो एक गुना तो हुआ ना तुमसे उसके लिए अल्लाह के रसूल आसलम ने यह बात बताई शुरत तो, तो हूद के आए थे करीमा पढ़ करके बताए अकीम सलाफी नहारि वजुल्फमिन हसनत युद्ध ही सयात कि एक गुना हो गया उसके बाद नेकी कर लें आने वाली नेकियां पिछले गुनाहों को मिटा देती हैं और अल्लाह के रसूल रसुलसलम ने यह भी खुलासा कर दिया उनके पूछने पर कि यह आप अकेले के लिए ख़ास नहीं हैं हर उम्मती के लिए है लेकिन इसमें बात कितनी बड़ी है कि कहाँ गुनाह होता कहा कि कहाँ लौसतर तनफक सबहान अल्लाह कहने का मकसद यही है कि अल्लाह रब्बुल रब्लम अद्दीर हैं बंदे के गुनाहों पर अल्लाह ताला इस दुनिया में जब पर्दा डालते हैं तो उस बंदे के लिए खुशखबरी है कि अल्लाह रब्बुल रब्लम आखिरत में भी उसको लोगों के सामने रसवा नहीं करेंगे बड़ी सहादत की बात है उसके लिए <coughs> एक हदीस है सही बुखारी की और सही बुखारी में मुतद मकाम पर है सही बुखारी की किताबुल अदब में भी है वो हदीस इब्न अब्दुल्लामर अब्लताब रजीमां से किसी ने पूछा कि जो हदीस सुनी थी जरा सुनाइए कहते हैं सरगोशी सरगोशी किसको बोलते हैं एक आदमी आहिस्ता से किसी के करीब जाके बात करता है तीसरा नहीं सुनता है तो बंदे से रब्बुल आलमी नहीं सी करेंगे कल कर क्यामत के दिन एक मोमिन बंदे से अल्लाह के रसूल ने कहा सल्हमिन व तआला एक बंदे से कल कर गुफ्तगू करेंगे एक बंदा अल्लाह व तआला से इतना करीब होगा इतना करीब होगा इतना करीब होगा जैसे हम किसी से गुफ्तगू करते हुए करीब कर लेते ना किसी बच्चे से किसी अजीज़ को या किसी दूसरे आदमी को भी करीब जाके कुछ बात करते हैं सिफत कन से मुतल हमने एक दरस दिया था आलमीन की जो जो सिफात खबरिया में से अल्लाह सुबहान तआला उस बंदे को करीब बुला करके बिल्कुल करीब करके ये कैसे ये अल्लाह व तआला की शान के मुताबिक ये कैसा मंजर होगा ये क्या मामला होगा ये गैबियात में से है उससे बात करेंगे रबुल आलमीन और उसको एक एक गुना याद दिलाएंगे आमिलता कहा वो अमिल आमिलता कहदा वो कहा तुमने वो गुना किया था नहीं तुमने वो गुनाह किया था नहीं तुमने वो गुनाह किया था नहीं और बंदा कहने लगेगा कि नाम 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 जी मुझसे वो भी गुना हुआ मुझसे वो भी गुना हुआ ए मेरे रब मुझसे वो भी गुना हुआ फिर यु सब सबका एतराफ़ करेगा इकरार करेगा वो अब अल्लाह सुबहानोतला क्या कहेंगे उससे सतर तो अली काफी दुनिया दुनिया में तो तुम्हारे गुना पर मैं पर्दा डाल के रखा था और आज भी पर्दा डाल करके भी रखूंगा और जहन्नम से बचा के भी रखूंगा मकफरत के अंदर दो माने आते हैं मकफरत के अंदर गुना पर, पर पर्दा डालने का भी माना आता है और उसमें और उसको बचा विकाया का भी माना आता है बचाने का भी माना आता है तो दुनिया में तुम्हारे तुम पर पर्दा डाल के रखा था और करीब बुला करके पूछेंगे ऐसे नहीं कि ऐलान हो रहा है कि तुमने ये गुना नहीं किए थे तुम ये गुना किए थे ना तुम ये गुना किए थे ना ऐसे नहीं कि ऐलान हो रहा है नहीं करीब करके सुभान अल्लाह और बंदे से एक एक गुना याद दिलाएंगे और बंदा याद करेगा और याद करके इकरार करेगा और अल्लाह सुबहान होता है अल्लाह सो कहेंगे दुनिया में तो पर्दा डाल के रखा था ना अच्छा यहाँ 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 भी पर्दा डाल के रखेंगे और आपकी मकरद भी कर देंगे अल्लाह अकबर एक हदीस है मुतफ़न नाले सही बुखारी की किताबुल ईमान में भी है और भी दीगर मकाम पर भी है सही मुस्लिम की हदूद में उबादा बिन सामित रजी जो बद्र में शरीक थे और अकबा में भी शरीक थे वो मदीने के नुमाइंदगान में से थे वो अनसार के जब अल्लाह के रसूल को हिजरत करके मदीने को आए ना तो उससे कबल जो गए थे ना साबा उन सत्तर साहबा उसमें से थे और अबादा बिन अस्ामद रजीलान हूँ तकरीबन बत्तीस तैंतीस हिंटी तेंति में आपकी वफ़ात हुई है और तकरीबन सहाबा में बहुत ही लंबे कदुकामत के दस फिट के थे वो अबादा बिन सामिद रजी अल्लाह वो कहते हैं कि रसूल वसलम के, के आस पास में सहाबा की एक जमात थी आपने सहाबा से बैत ली कहा कि बाला अल्ला तुश्रकिल्ला शै वला, वला तजनु व तख्तुललाद वाला तो बि भुतान तख्तरूनाबैन अर्जुल वालासोबी मारूफी ये सब बैतले अल्लाह के रसुल के तो शिरक नहीं करेंगे कोई गलत काम नहीं करेंगे मुत्म नहीं होंगे और जो है मतलब ऐसा कोई काम नहीं करेगी जिसमें तोहमत लगेगी निकी भी तुम तो, पीछे तो, नहीं तो, हटोगे तो, 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 अपनी आल औलाद को रोजी रोटी के नाम पर कत्ल नहीं करोगे चोरी नहीं करोगे जिना नहीं करोगे वगैरह वगैरह बैत लिए अल्लाह के रसूल ने इन सब चीज़ों से लेकिन अल्लाह के रसूल ने उसके बाद तीन बातें कहीं कितनी बातें तीन बातें कहा कि फमन वफा कु अगर किसी ने मुकम्मल तौर तो पर इन सारी नी, इ, 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 इस बैत पर मुकम्मल उतरा अल्लाह की इबादत में किसी को शरीक नहीं किया कभी चोरी नहीं की कभी जना नहीं किया कभी अपने आल औलाद जितनी बातें अगर किसी ने उसमें मुकम्मल खड़ा उतरा फरूल फमन वफामिन को फरू अल्लाह अल्लाह सुबहाना तैाली पर उसके लिए अजर है तय और अल्लाह तला जरूर अदा करेंगे उसके लिए जन्नत है अल्लाह की रजा है अच्छा ममन असामिकन लेकिन किसी से कोई गुना हो गया इन सारे गुनाहों में से जैसे हमने बैत लेना कि यह नहीं करना यह नहीं करना किसी से कोई गुना शादिर हो गया और गुना शादिर भी हो गया और वह मसला कहां तक गया काजी तक गया फरूकी बफी दुनिया और उसको उसके गुनाह के एतबार से सजा भी मिल गई इस दुनिया में कहा के फहवा कफ़ा रत उसके लिए गफारा है मामला वहीं का वहीं खत्म हो गया जनाजा उठेगा तो बिल्कुल पाक साफ आदमी का जनाजा उठेगा दो बातें अब तीसरी बात क्या बहन भरमाइंड किसी से कोई गुना सादिर हो गया लेकिन वह मसला काजी तक नहीं गया वो मसला बाहर तक नहीं गया है तुम मसा तारह अल्लाह व तआला ने उसके गुना पर पर्दा डाल के ही रखा उसका मामला क्या होगा कहा के इल्लाह अब वो अल्लाह के ही हवाले है इन आफा आफा अन्हु वा इन आकबहु। चाहे तो अल्लाह रब्लम उसे माफ़ कर देंगे चाहे तो उसे सजा देंगे किस सूरत में जब अल्लाह तला पर्दा डाल रख देंगे सुहा अल्लाह गौर कर रहे कितनी शहादतें हैं, हैं अल्लाह अकबर इसीलिए अल्लाह रब्बुल रब्लम अस्ती हैं एक बंदे को चाहिए कि अगर उससे किसी तरह का कोई ऐसा गुना हो जाता है तो अपने गुना पर खुद पर्दा डाल के रखिए वहीं पर अल्लाह से तोबा कर ले वहीं से अल्लाह से माफ़ी मांग ले चर्चे ना करें खुद बोलते ना फिरें और खुल्लम खुल्ला गुना ना करें इसका मतलब ये कोई बेहया आदमी है इसका मतलब ये कोई वो अल्लाह त फरमा बर्दारी की जो एक हैबत होनी चाहिए वो ख़त्म कर रहा है वो नाफरमानी की जो 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 एक शनात है उसकी जो नकारत है दिलों में उसकी जो मतलब एक तरह का जो एक आदमी में एक हया होती है खौफ होता है एक तरह की शर्म जो उस पर लाइक होती है वो एक कि वो सब चीज़ें खत्म हो जा रही हैं उससे एक हदीस आती है मुतफ़न आल हदीस है सही बुखारी की किताबल अदब में और सही मुस्लिम की किताबी वराइक में अब्दुल्बिन उमरबूलता बिन रजील कहते हैं कि रसूल वसम ने फरमाया कुल्ल उमती अबू हुर की हदीस है अबू हुर हदी से अबू हर रजी कहते हैं कि रसोल्ला ने फरमाया कुल्ल उम्मीआन मुजाहन मेरी उम्मत के हर फर्द के गुना हो, माफ होंगे सिवाय उस शख्स के जिसने गुना बिल्कुल खुलम खुला किया है सबके सामने बात वाज हो रही है आपको मसलन गुना ऐसा कर रहा है आदमी कि जिससे मतलब बिल्कुल वाजह हो रहा है जैसे कोई शख्स मस्त के तौर तो पर नमाज़ हो रही है और नमाज के बाद बाहर खड़ा है नमाज़ नहीं पढ़ रहा मतलब एक मतलब वाजे है गुना उसका कोई आदमी बेहया ही कर रहा है बंद कमरे में सबके सामने आके बता रहा है रात में उससे कोई नाफरमानी हो गई है अल्लाह ने पर्दा डाल के रखा था लेकिन सुबह के वो खुद लोगों को बता रहा है गुना वाजे कर रहा है खुल्लम खुल्ला कर रहा है जैसे बहुत सारे लोगों को हम देखते हैं सिगरेट और बीड़ी पीते हैं बंद कमरे में पीना में भी गलत है लेकिन कोई मिलकर लोगों के सामने खड़े कर पे तो मतलब इसकी गुना की कोई हैबत ही नहीं गुना की कोई मतलब कोई बात ही नहीं है गुनाह करने की जो है अल्लाह की गिरफ्त की जो हैबत होनी चाहिए वो हैबत ही नहीं है वो हया ही नहीं है अब 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 इस तरह की मिसालें आप नोट करते जाइए माशरे में बेहयाई को जो फ़्रोह देते हैं इनके लिए तो माफ़ी नहीं आप खुल्लम खुल्ला कर रहे हैं आ, आप पर क्या पर्दा डालेंगे फिर आप तो लोगों के सामने आके कर रहे हैं बात मेरी बाजी हो रही ये चीज़ अल्लाह सुबहान तलाती रहें एक बंदे से गुनाह होता है खुद बंदा अपने इस गुनाह पर पर्दा डाले रखता है अल्लाह से वही माफ़ी मांग लेता है तो अल्लाह रब्बुल रबीन अस्त्ती रहें उसके गुनाह पर पर्दा डाल के ही रहेंगे लेकिन अल्लाह ताला अती रहें इसका हमारी ज़िंदगी पर यह असर होना चाहिए कि बहसत मुसलमान हम भी अपने एक भाई के गुनाह पर, पर पर्दा डाल के रखें जहाँ तक मुमकिन हो जहाँ तक हो सकता है अगर उसमें फसाद है अगर उसमें मतलब जुल्म हो रहा है किसी पर किसी पर ज़्यादती हो रही है किसी का नुकसान हो रहा है किसी के साथ बड़ा हादसा होने वाला है तो फिर उसको बताना ये ये, ये गीबत में शुमार नहीं है लेकिन किसी से कोई मामला हो गया हम नज़रअंदाज करके आगे निकल जाएं या हम उसको बता दें हमारे उसके दरमियान रही मामला इसको इख्तियार करना चाहिए एक हादिस आती है मुतफ़न हाले सही बुखारी की किताबल अदब में और सही मुस्लिम की किताबुलब्री वसलाम अल्लाह के रसूल सही बुखारी की किताबुल किताब अमजालिम मजाली में और सही मुस्लिम की किताबलब्र्र्री वल्लदबाबाब में रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं ने फरमाया हदीस का जो पहला जुमला है ये है कि अलमसलिम मुस्लिम जो हदीस जिसे कहते हैं उस हदीस के इख्तिताम में अल्लाह के रसूल ने कहा सल्ह् व क़ियामा इस दुनिया में जो मुसलमान जिस मुसलमान के गुनाह पर पर्दा डालेगा अल्लाह तला कल क़यामत के दिन उस पर पर्दा डालेंगे क़यामत के दिन पर यकीन हो और और आदमी के अंदर ठहराव हो तबीयत में किसी से कोई नादानी हो गई है नज़रअंदाज करके चले जाएँ उस, उसकी ज़ात के हद तक अगर कोई मामला है या ज़्यादा से ज़्यादा आपके अंदर इतनी ताकत है आपके अंदर इतनी सलाहियत है आपके अंदर इतना मलका है तो आप जा कर के समझाइए कीजिए लेकिन मामला आपने दरमियान रखिए अल्लाह व तआला फिर इस बंदे के कल क़यामत के दिन पर्दा डालेंगे वगैन जो लोग एक मुसलमान को देखे कि इसके अंदर ये गुना है इसके अंदर ये गुना है अब उसको बोले और उसको बोले और उसको बोले ऐसे लोगों के ताल्लुक से तो इतनी बड़ी बात है इतनी बड़ी बात है आप उस हदीस पर गौर कीजिए जिसे इमाम अबू दाऊद दाऊदिस्तानी रहमा अपने सुनन की किताबुल अदब में और इमाम तिर्मिजी तिरमिजी रहमा अब्बाबुलबर्री वसिला में और ये हदीस के अल्फाज सुनन तिर्मिजी के हैं इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाह ने तो हदीस पर किसी तरह का कोई हुक्म नहीं लगाया सुकूत इख्तियार किया है इमाम ने कहा कि हसन गरीब उन और शेख अलबानी रहमतुल्लाह ने हसन सही कहा है। हदीस क्या है अब्दुल्लामर अब रजी कहते हैं कि अल्लाह के रसूल मिंबर पर खड़े हो गए पर खड़े होकर के बुलंद आवाज से कहा अल्लाह के रसूल ने और क्या कहा मालूम है अल्लाह अकबर कहा कि या यान आबिल ईमान कहा कि ए वो लोगों मुआशरे के उन लोगों से खिताब कर रहे हैं जो सिर्फ जुबान से ईमान लाने का दावा करते हैं और दिलों तक उनका ईमान कभी पहुंचा नहीं है दिल से मोमिन नहीं है मैंने मुनाफी कहा कि ला तो मुसलिमिन मुसलमानों को तकलीफ मत दो वला तो आई रूहुम उनकी किसी नादानी पर किसी अमल पर किसी गुना पर किसी कि, किसी चीज पर उनको उनको आर मत दिलाओ ताना मत दो उनको और कहा कि वला तब युवा और उनकी उनकी जो चीजें वो अपनी जिंदगी में छुपा के रखना चाहते हैं उसकी टोह में मत रहो झांक झांक के मत देखो कौन कहां जा रहे हैं कौन किससे मिल रहे हैं कौन क्या कर रहे हैं क्यों कहा कि उनकी 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 जो पोषिदा चीजें हैं आप उसके टोमे मत रहे हैं उसके पीछे ना पड़े अमन तब्बा और मुस्लिम अगर कोई किसी मुसलमान अपने मुसलमान भाई की जिंदगी में एक जासूस बन के पीछे रहेगा क्या करना है क्या कर रहा है, है अब कहां जा रहा है किससे मिल रहा है क्या कर रहा है अल्लाह के रसूल ने कहा अगर यह सूरत हाल हो जाए तो ततबा अल्लाह और अल्लाह रब्बुल आलमीन अब उसके उसके एक एक अमल पर जो है मतलब अब अब, अब नजर रखेंगे अल्लाह सुबहानुता तो हमेशा नजर रखते हैं हर पहलू नजर रखते हैं अल्लाह से कोई चीज गायब होने वाली है लेकिन एक एक खूबी तौर तो पर अल्लाह उसकी एक एक चीज को पकड़ेंगे अब जब बात रब की आएगी वमन तम अल्लाह अल्लाह सुबहानुला अगर किसी के पीछे पड़ जाए कि किसी के एक एक गुना को एक एक, एक अमल को अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन लेना शुरू कर दें तो अल्लाह सुबहानो तला उसे रुसवा करके ही रहेंगे अगर चाहिए वो बंद कमरे में घर के अंदर बैठ के करता हो अकेला तनहा अल्लाह तला पूरी पूरी सबके सामने लेकर आएंगे उसके मसले को कैसे लेकर आएंगे लेकर आएंगे रबीन न सर फेला इससे बड़ी धमकी क्या हो सकती बताइए अभी रब की तरफ से अल्लाह अकबर मामूली बात है बहरहाल अल्लाह सुबहान का जो इनाम है अस्तिर अब तक जो हमने गुफ्तगु की है वो जिसे कहते हैं ना उल दुआउलम इस नाम से दुआ कैसे करेंगे कौन बताएंगे अल्लाह ताला के इस नाम से दुआ कैसे करेंगे अल्लाह सुबहान तआला के इस नाम से दुआ इस तरह से करेंगे जो अल्लाह के रसूल ने हमें सिखाई है सुनोबाजा की हादी की किताब दुआ की शेख अलबानी रहा को सही कहा है अल्लाह के रस अबू हर रसी कहते हैं कि अलैहि सल्हसम यानी जो सुबह शाम की जो दुआएँ हैं ना उसमें से ये दुआ है कि अल्ला अस अलोक दुनिया व्ल इन्नी अस अलफ व आफिया तफ़ी दीनी व दुनिया या वली व माली उसके बाद मस्तरा <स्या> और अकबर अल्लाह मस्तरा और अल्लाह के नाम अस्सी तीर से दुआ की जा रही है अल्लाह मस्तरा और अल्लाह जो चीज़ें मेरी छुपी हुई हैं वो छुपी ही रहने दे मेरी कमजोरियां मेरे इल्म हैं और तेरे इलमे तो हैं ही बस मेरे इल्म हैं और तेरे इल में कोई तीसरा इसमें शरीक ना हो अल्लाह मस्तरा और आमिन रो आती अल्लाह महफुन मुबैनी यह वमिन खलफी वन मीनी वाहन शिमाली अमिन फ़ोकी वायउब आजमत गानो मिन तहती समझी तो इस नाम से ये दुआ है तो इन मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ आने वाले दरअसम इनशा त्ल का एक और नाम एक और सिफत लेकर के इनशा दर्ज देंगे सुबहानल्लाबहमलिख अश्ल अस्तफ़रू का बात बिले